ऐसे पेड़ गिर चुका है इधर यार भाई, इधर पेड़ गिर चुका है और भाई वो जाके वो ट्रक पे गिरा है बिल्कुल यार, मतलब देख रहे हो आप तगड़ा ही सीन, मतलब पानी का जो गेट ओपन कर दिया है। ए भी को। ओ भाई, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? और दोस्तों यार काफी दिनों से ना यार बारिश हो रही थी, मतलब यार एक दो दिन से ना लगातार बारिश वगैरह हो रही थी, उस वजह से हम कहीं बाहर नहीं जा रहे थे। और आज फाइनली मतलब यार बारिश जो है अभी रुक चुकी है और सहसे अब बारिश नहीं पड़ेगी क्योंकि मौसम जो है अपना साफ हो चुका है। मतलब यहाँ से आपको देख के लग नहीं रहा होगा, इधर देखो, ओ भाई मतलब यार क्या ही बोले, पूरा आसमान क्लियर दिख रहा है तो भाई यार काफी अच्छा लग रहा है, मतलब अलग ही लग रहा है यार। मतलब कुछ दिनों से यही मौसम देख रहे थे और एकदम ना यार इतना क्लियर तो भाई यार अलग ही हो जाता है। और बाकी अभी हम जा रहे हैं कोसी, मतलब हमारी तरफ यहाँ कोसी आती है, कोसी विराज है, तो भाई यार उधर ना पानी का लेवल काफी बढ़ जाता है इस टाइम पे क्योंकि लगातार कुछ दिनों से बारिश हो रही है, तो शायद से यार काफी लेवल बढ़ चुका होगा। तो अभी हम चाहते हैं आप देख के आते हैं कि वहाँ पर लेवल किस प्रकार का है पानी का अभी। और यार इन बारिशों के दौरान यार जो लोग नदी वगैरह के पास रहते हैं यार भाई यार उन लोगों के लिए काफी दिक्कत का हो जाता है। आई होप सब बड़े मतलब अभी सेफ होंगे, तो भाई आप लोग भी उनके लिए प्रे करना और जो मतलब इस बारिश से जूझ रहे हैं भाई उनके लिए भी प्रे करना। तो ठीक है भाई, अभी हम चलते हैं सीधा उधर लोकेशन पे और अभी हमारे साथ से विक्की भाई भी आ जाएंगे, अभी उन्हें कॉल करके पूछा नहीं मैंने, तो भाई चलो और आपको दिखाते हैं अपनी कोसी। तो दोस्तों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय भाई और यार मेरे घर से यार काफी टाइम से यार मतलब यार चेतावनी आ रही थी कि गाड़ी चलाते समय यार ब्लॉगिंग मत करा कर, यार वो भी थोड़ा सेफ्टी के लिए है, लेकिन यार भाई क्या ही कर सकता हूँ, अभी मेरे पास गियर्स वगैरह नहीं है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ गियर्स वगैरह ले लूँ क्योंकि यार थोड़ा सा रिस्की रहता है ना। और भाई यार आगे सामने कुछ हुआ है यार, शायद से पेड़ गिर चुका है इधर यार भाई, भाई यार इधर पेड़ गिरा था और भाई यार तो भाई यार इधर पेड़ गिर चुका था और वो भाई नहीं है। तो भाई यार इधर पेड़ गिर चुका है और भाई वो जाके वो ट्रक पे गिरा है बिल्कुल यार, मतलब देख लो अबे यार नुकसान हुई इधर तो। तो दोस्तों यार बारिश में यार कुछ इस प्रकार की दुर्घटना भी घट जाती है और यार मतलब देख रहे हो यार क्या ही हो गया था, क्योंकि शायद से किसी को लगी नहीं होगी, बस ये कि वो ट्रक का जो है पीछे का हिस्सा जो है मेरे वो जो ट्रॉली होती है वो पिचक गई है। और लास्ट टाइम मेरे को याद है उसी जगह पे ना एक ब्लैनो के ऊपर पूरा पेड़ गिर गया था भाई, नई ब्लैनो थी वो और भाई यार पूरा हाल खराब हो गया था, वहीं पर खड़ी थी, थोड़ा आगे था उससे, मतलब पहले दो तीन कदम आगे था, ज्यादा नहीं। हाँ तो भाई यार उसका भी बड़ा बुरा हाल हुआ था, उसे देख के तो भाई मेरे को काफी बुरा लगा था यार, मतलब क्या ही बोले भाई, एक तो ड्रीम होता है गाड़ी लेने का और भाई आगे मौसम देखो यार एक बार तुम भाई भाई मजा आता है यार। अभी थोड़ा आगे से जाऊंगा तो वहां से आपको पूरा पहाड़ साफ दिखेगा। तो भाई यार ये देखो पूरा मौसम जो है क्लियर हो चुका है, ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं साफ साफ, लेकिन एक बार आप ये देखो तो भाई यार पानी का फ्लो अभी भी काफी है, मतलब ये मेरे हिसाब से काफी कम हो चुका है। देखो यार जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना घाजेरी घास से वहां तक का इसका पानी का फ्लो रहता है ऑल टाइम, मतलब ऐसे टाइम पे, और लास्ट टाइम भी इससे ऊपर पहुंच गया था। और मैंने अभी वीडियो देखी दोस्तों की तो भाई यार उसमें तो भाई यार ये पूरा टकरा रहा था, मतलब यार जो टॉप लाइन दिख रही है वहां पर तक, बट यार अभी थोड़ा सही है। और भाई पर्यटक देख रहे हो, मतलब रामनगर के ही कोसी विराज देखने के लिए भाई एंकर पूरी भीड़ यार भाई तगड़ा ही मामला भाई तगड़ा ही। तो भाई यार इधर एक बार देखोगे ना आप तगड़ा ही सीन, मतलब भाई गदर एकदम गदर, बहुत ही ज्यादा उफान में, मतलब पूरा पानी का जो गेट है ओपन कर दिया है ताकि यार इस पर का जो लेवल है वो कम हो जाए। और भाई यार देख लो यार नीचे का सीन देख लो एक बार भाई साहब, और यार इतने लोग आ रहे हैं यहाँ पर अभी व्यू देखने, मतलब ये क्या ही बोले। और बाकी अभी हम जाएंगे उस वाले पुल पे, ऊपर का मौसम देखो भाई तगड़ा यार। अब चलते हैं दूसरे वाले पुल पे, पहुंच चुके दूसरे पुल में और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना भाई यार कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता उस चीज को, लेकिन फिर भी एक बार चेक आउट करो भाई यार काफी तगड़ा यार। इसकी फोटो खींच के मैं डाल दूंगा इंस्टाग्राम में, तो भाई इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, वहां इसकी फोटो आपको दिख जाएगी भाई यार मजा ही आ गया। लेकिन यार जो पानी का फ्लो है ना भाई साहब अभी कम हो गया लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है यार। तो यार पूरा रामनगर आ जाता है ऐसे टाइम पे, मतलब कोसी का लेवल देखने, क्योंकि यार थोड़ा सा मजा भी आता है यार, हम जैसे कंटेंट भी मिल जाता है। इधर साइड से देखो और नीचे जो है हमारा वह क्या नाम है हनुमान धाम है, आप काफी लोगों ने उस एरिया का नाम सुना होगा, तो भाई यार एशिया का सबसे बड़ा हनुमान धाम है नीचे साइड।
और यार ऊपर जो पहाड़ लग रहे ना यार, मजा ही आ रहा है यार। चलो यार अब चलते हैं मार्केट को, मेरे को थोड़ा सामान लेना और विक्की भाई को थोड़े कैश वगैरह निकालना है, तो अब चलते हैं यहाँ से। दोस्तों आज मैं और विक्की भाई यार अपनी इनकम निकाल रहे हैं YouTube की पहली, तो भाई यार ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा, सीधे दिखा दो यार हमने कितना पैसा आया है पहली पेमेंट में। भाई हमारी पहली इनकम निकल चुकी है विक्की भाई, कितने? कितने? तो भाई 6,000, क्योंकि यार डॉलर के रेट जो गिर चुके हैं तो इस वजह से हमें 6,000 मिले। कोई बात नहीं यार, ऐसी मतलब एक दिन ऐसा आएगा दिन विक्की भाई यहाँ से 6,00,000 रुपए निकालेंगे एटीएम से, उस टाइम के एटीएम भी विकसित हो जाएंगे ना। अच्छा तो भाई यार पीनट बटर ले लिया है और अब चलते हैं सीधा घर को। चलो विक्की भाई, चलो विक्की भाई मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है बाय। ओए जिमी, ओए 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 ओए, हेलो गाइस, वेल ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो दोस्तों ये बच चुके हैं दिन के 4 और अभी हम जा रहे हैं अपने जिम, और भाई यार मौसम जो है पूरा खुल चुका है मस्त, पीछे धूप आ रही, देख रहा हूँ मैं सगल भी दिख रही है, क्या ही बोलूँ, लेकिन हालांकि नीचे से थोड़े से बादल अभी भी हैं। खैर अभी हम चलते हैं जिम और थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह पहलते हैं यार, आज मंडे है तो चेस्ट पे लिया। और ये भाई की भाई भाग गया, रुक जाओ यार, ये भाग गया साला एंकर में उतनी नीचे से ऊपर आया और ये भाग गया, रुक जा रुक जा। तो भाई यार जिम जा रहे थे और यहाँ विक्की भाई का तेल खत्म हो गया, पता नहीं क्या हो गया भाई यार, अब देखते हैं यार क्या होता है। भाई यार विक्की भाई ऐसा मत करो, धक्का मार के आज धक्का मार के जिम करनी पड़ी है, लग रहा है मैं गाड़ी को धक्का मार के जिम होगी हमारी आज। ओ भाई स्टार्ट होगी, चलो खाली बैठा यार, कंटेंट के लिए था खाली, मजाक सकती रिजर्व में है मतलब यार, सही में पेट्रोल खत्म हो गया था है, मतलब थोड़ा सा रिजर्व में गाड़ी थोड़ा बहुत बचा हुआ, फिर यार जिम से वापस घर बता दे। बस मैं आ चुकी यहाँ पर एक नदी और हमारे विक्की भाई यार पार कर दोगे? गाड़ी में तेल भी नहीं लग रहा भाई यार, बैंक का देखते यार पार कर पाते कर पाते। भाई मैंने जूते पहने, मैं कर रहा हूँ पार, पैदल आएगा पैदल आ जाना, चल मैं पार करता हूँ, कर रहा है तू भाई, तू पाँव नीचे रखवाया करना, मेरे जूते बिक जाएंगे, चप्पल ना भग जाएगा इतना, तो तू पीछे आ जाएगा, कह रहा हूँ पीछे बैठ जा रहा हूँ। भाई जिम आगे वार्म अप वगैरह कर लिया, अब करते जल्दी से चेस्ट की एक्सरसाइज और अरिंदा से पूछते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो अरिंदा हमारी आज चेस्ट, बताओ आज हमें क्या क्या करना है? पहले इंक्लाइन बेंच से शुरू करो, ठीक हो गया, और इंक्लाइन में रोड कर लो, ठीक है ठीक है ठीक है, स्टार्ट करो, चलो स्टार्ट करें। हाँ अबे और जिम आज के कुछ लौंडे ये क्या ले, चलो यार एक्सरसाइज करते हैं अब, चला जाओ कि इंक्लाइन बेंच ऐसे करना, नीचे आराम से लेके जा, ऊपर को बिल्कुल स्क्वीज करना चेस्ट को, वेरी गुड, यस, चलो सास बहुत बढ़िया। तो भाई यार अब हमारे हैं प्लेन बेंच, इसके मारेंगे हम 3 सेट, चल 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 चेतन, एक बाइसेप का पोज मार दे जरा। और यार अब तीसरी एक्सरसाइज हमारी डंबल प्रेस डिक्लाइन, नहीं आता यार बहुत तगड़ा लौंडे। लास्ट सेट डबल प्रेस डिक्लाइन बेंच, चल सवास लाइक टू इट फेयर, ठीक है तो अब हमारी केवल फ्लाई, चलो विक्की बढ़िया करके मजा आ जाना चाहिए, बढ़िया लौंडे। फिफ्थ एक्सरसाइज है हमारी बटरफ्लाई, तितली तितली मार रिया लौंडा, नहीं
लास्ट एक्सरसाइज लौंडे की। तो दोस्तों एक्सरसाइज वगैरह करके अब जा रहे हैं घर को, और भाई यार घर जाके लेंगे थोड़ी सी डाइट। डाइट में कुछ नहीं है, थोड़े से अंडे होंगे और कुछ नहीं। अबे भाई यार इसे क्या हो गया, सरीवल्ली भैया इन्होंने सरीवल्ली लेग्स मार दी आज यार। क्या उफ 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 चलो यार विकी भाई ओके ब्रो ओके चल ठीक है चला गाइस। अब हम घर को चलते हैं और कुछ डाइट वगैरह लेते हैं। राधे भाई जिम्मी की दौड़ शुरू हो गई यहाँ पे। जी भाई जी वो भाई कहाँ कहाँ चले गई हो। हाट ये देखो कट मारते हुए जाती यार हाट चले गई यार। तो भाई यार अब लेते हैं डाइट, और मैंने आज डाइट में रखा है 3 अंडे और थोड़े से चावल लिए हैं और थोड़ी सी चटनी। तो भाई यार जल्दी से खाते हैं। दोस्तों डाइट वगैरह खाने के बाद मैं चले गया था बाल कटाने, और भाई यार काफी टाइम से बाल नहीं कटा रहा था ना, तो मतलब काफी बेकार से लुक हो रहा था। और अभी बताना कमेंट करके यार लुक कैसा हो रहा है। और बाकी यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी यार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, शेयर वगैरह करो ना यार। तो यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना अपने, और बाकी यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।